हाय प्रेस, मैं हूँ काजल। मैं हूँ सागर और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं अल्लामा अहमद नक्शबंदी जी का बयान है, शादी और वलीमे में ऐसे काम मत करो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और मतलब इनका बयान बहुत अच्छा लगने लगा है मुझे, क्योंकि बहुत अच्छे भी होते हैं। और मतलब ज़्यादातर इनके बयान ऐसे होते हैं कि हमारी जो निजी ज़िंदगी है, मतलब हम जो लाइफ जीते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए, ये ज़्यादातर बताते हैं। जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि ये समाज प्रबोधन का काम है कि अगर आप कुछ गलतियां कर रहे हैं ससुराल में या अपने मायके में या ससुराल के लोग या आजू बाजू के लोग, तो वो उन्हें ही एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मगर एक वादा करो, आज चाय पे बोल दे तुम, फिर उसका अपना जिक्र करता हूँ आगे। एक वादा करो, दावत में जाते वलीमे की जाते? कौन कौन नहीं जाते हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, सब लोग जाते हैं। जाओ रोजाना एक वलीमा खाओ। मगर वो दूसरे लोग अंदर खा रहे हैं डाइनिंग एरिया में, वो जाके गेट करने ठहरते, देखो पहले से ठहर जा रहे हैं। देखो उन्हें अभी बेचारा अभी मिठे पे भी नहीं आया, इन्हें पहले से डर दूंगा। अभी डाल ले रहा यारों ने, अभी खींच रहा ही जने। अल्लाह के वास्ते ये चिल्लर हरकत मत करो, जरा जोर से और जरा जोर से, ये चिल्लर हरकत मत करो, इससे मुसलमान बदनाम हो रहा। कितने कंगले रे, आइए मौना तशरीफ लाए, कितने हल्के रे, रोजाना खा रहे फिर जाके गेट करने पहले ठहर जा रहे, और दूल्हे से भी नहीं मिल रहे, पहले जा रहे हैं। अच्छा अब देखो, जलसे में भी सामने नहीं बैठते, वलीमे के शादी खाने में भी सामने नहीं, पीछे बैठ रहे लास्ट में। मैं बोल रहा हूँ बेचारा काई को ऐसा पीछे पीछे रह रहा, पीछे पीछे रह रहा, बाद में क्या मिया पीछे बैठ गया क्या, वहां से वहां भागने के चक्कर में उन्हें। इतना हल्कापना, इतना कंगलापना, इतना चिल्लरपना, रोजाना खा रहे फिर चिल्लरपना बराबर है मुसलमानों का। मत करो मेरे भाई, मोमिन कंगला नहीं होता, मोमिन हल्का नहीं होता। आप जाके कुर्सी पे बैठे नहीं, आपका जो मेजबान जो आपको रुखा दे के दावत दिया, देखो उन्हें बोलना आपको चलिए खाना खाने के लिए, चलिए खाना खाने के लिए। नहीं बोला नो प्रॉब्लम, जितनी देर आप बैठ सकते बैठो, निकल जाओ। मगर ऐसा गिर पड़ के चिल्लरपना कंगले चाले करके खाना मत खाओ, ये मोमिन की शान के खिलाफ है, ये ईमान वालों की शान के खिलाफ है। मोमिन इतना हल्का नहीं होता। रसूल पाक अली सलाम ने क्या कहा, बाजार में खाना हल्केपन की निशानी है बोले सरकार, मतलब सरकार अपनी उम्मत को हल्का देखना नहीं चाह रही, सरकार अपनी उम्मत को हल्का देखना गिरा हुआ कंगला मर रहा खाने का से, और फिर खाने पे बैठे भी तो टेबल पे इतने चिल्लर चाले। आप आठ आदमी दस आदमी का टेबल है, ऐसा हाथ मार रहा, उन लोग पूरे नौ अलर्ट हो जाए, क्या करता है इन्हें, इतना चिल्लर पना। और वो दाल लिया से वो खा रहा नहीं, दाल लेते जा रहा, पूरा खा ले, चिल्लर पना मेरे भाई, खलीज हरकत। अरे मोमिन है मेरे भाई हम, अरे हम ईमान वाले हैं मेरे भाई, ईमान वाले, हमारे मुकद्दर में जन्नत की गिजाएं लिखी हुई है, और हम लोग हाँ ये दुनिया में इतने चिल्लर हरकतें। मरग नहीं खाता बाजू कठोर करके हलीम डाल ले रहा, हलीम नहीं खाता बिरयानी डाल ले रहा, बिरयानी भी खत्म नहीं हो रही उसको कोने में ढकल कर कठोर करके मीठा भी डाल ले रहा। बाज लोग तो इतने खतरनाक है, मीठा एक ले रहा चमचा, बिरयानी एक निवाला उठा रहा, इतना चिल्लर है। इतनी खलीज फितरत बन गई है मुसलमानों की, इतने चिल्लर हो गए हैं, कुर्सियों पे बैठे हुए नहीं है। दूल्हे को मुबारकबाद देना, दूल्हे के वालिद को, अरे जानते रहे उसको दिए तक टाइम हो जाता है, बैठ अंजान मार उसको, अंजान मार पलड़े आ रहे उन्हें जा रहा जान रहा। इतने चिल्लर इतना चिल्लर बना, कुछ पूछो मत। नहीं ये हंसने की बात है, मगर हंस के समझ जाओ, हंस के लाइट नको लो, हंस के समझ जाओ, हंसने की बात है ये, मगर समझना है। मैं बात बहुत बड़ी बता रहा हूं आपको, आपको कोई भी नहीं बोलता ये बात। अल्लाह के वास्ते ये चिल्लर पाना नहीं करेंगे दावतों में जाके, नहीं करेंगे। नहीं बैठो आप, इज्जत से बैठो आप, आपको बुलाते हो ना बराबर, लड़की का बाप आता, लड़के के बाप आते, भाई आता, दोस्त आता, कोई भी आता आपको पूछता,
इज्जत से जाके खाओ, आप शान से जाना, आपके वास्ते कुर्सी रख के बुलाना, आपको शान से जाके खाना, हल्का पना नहीं करना। एक टेबल पे नहीं मिला दूसरे पे मिलता, दूसरे पे नहीं मिला तीसरे पे मिलता, नहीं मिल रहा जान दो, आ जाओ आप इस, नो प्रॉब्लम। क्या अपन जिंदगी में क्या वो बिरयानी नहीं खाए तो अपन मर जाने वाले, रात में हार्ट अटैक होने वाला है? नहीं, वो मुर्गी का सालन नहीं खाए तो फिर जिंदगी में दोबारा अपने को मुर्गी का सालन मिलने वाला नहीं है? महीने में 10 दावतों तो आते जाते, इधर से उधर से कहीं से तो भी दावत आई जाती। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह आइंदा से हम लोग कंगले चाले नहीं करेंगे, हल्के चाले। अरे अच्छे अच्छे सूट पहन के भाई, सूट पहन के ऐसा पट्टा देखे तो ऐसा दिख रहा करोड़पति लखपति है, जाके वहां ठहरता दरवाजे का नहीं, इतना चिल्लर दिखता और ऐसा ठहरता यूं झांक लेते, 3 महीने से भुक्का आया नहीं, अब मिला तो खा लेने वाला है। मत करो ऐसा, ये मुसलमान की शान नहीं है, ये मोमिन की शान नहीं है। मुसलमान बुर्दबार होता है, मुसलमान बड़ी हिम्मत वाला होता है, मुसलमान बाशऊर कौम का नाम है। आप उस कौम के एक जिम्मेदार फर्द है और अपनी जिम्मेदारी का हक अदा कीजिए। आइए अब चलते हैं जो जिक्र मैं शुरू किया था। तो औलिया अल्लाह की करामात का जिक्र कुरान में, औलिया अल्लाह का जिक्र कुरान में, उनकी करामात का जिक्र कुरान में, उनकी अजमतों का जिक्र कुरान में, उनकी रिफतों उनकी कुव्वतों का जिक्र कुरान में, और ये सब बयान करना अल्लाह की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है जरा जोर से बोलो, अल्लाह की सुन्नत है। अब आइए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए हजरत बिलखीस तशरीफ लाने वाली थी। कौन? हजरत बिलखीस। हजरत बिलखीस जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लिए मुलाकात के लिए आई तो हजरत बिलखीस का मकान, आपका दरबार बहुत दूर था, आप मलिका सबा थी, बड़ी इज्जतदार अजमत वाली खातून थी हजरत मलिका सबा हजरत बिलखीस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको इस्लाम की दावत पेश की थी कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए, तो वो इस्लाम कबूल करने के लिए शर्त रखी थी, आप मुझे कोई ऐसी चीज दिखा दीजिए जिसको देखकर मेरा दिल मान जाए वाकई अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं। तो हजरत सुलेमान ने कहा आप मेरे दरबार में तशरीफ लाइए, मैं आपको चंद ऐसी चीजें दिखा दूंगा जिसको देखकर आप मान जाएंगी अल्लाह एक है, मैं उसका रसूल हूं और इस्लाम हक है, आप तशरीफ लाइए। तो हजरत बिलकीस मलिका सबा अपने घर से सफर शुरू करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार तक तशरीफ लाई। 2 महीने का वक्त लगा। कितने महीने का? घर से निकल के दरबार तक आने के लिए कितने महीने का वक्त लगा? जरा जोर से प्लीज, क्योंकि ये बड़ी बात है, इसको आपको जहन में रखना जरूरी है, ये पूरे मसले का लुबे लुबाब है। ये 2 महीने का वक्त लगा हजरत सुलेमान हजरत बिलकीस को आने के लिए, क्योंकि वो दिन में सफर करती थी और रात में खियाम कर लेती थी, रुक जाती थी रास्ते में, एक काफिला लेकर आई थी और बिल्कुल हजरत सुलेमान के दरबार के करीब आ गई, बिल्कुल करीब। यूं समझ लीजिए मिसाल के तौर पर 5 मिनट में हजरत सुलेमान के दरबार में दाखिल होने वाली है। कितने मिनट में? 5 मिनट में हजरत सुलेमान के दरबार में आने वाली है। यह पूरा वाकया कुरान मजीद के अंदर है। चंद ही लम्हों में सरकार सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होने वाली है। कुर्सी को लड़ ले रहे लोग यूपी के क्या नहीं होते ना नहीं मतलब वहां इलेक्शन चल रहा ना, वो मुनासिबत से पूछ रहा हूं आप कोई दूसरा ख्याल मत निकालिए उसका, वहां भी ऐसी चल रहा ऐसा। तो अब जरा मसले को समझो आप, 5 मिनट में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में दाखिल होने वाली हजरत बिलखीस। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से कह रहे, फरमा रहे, क्या कह रहे हैं? अल्लाह कुरान पाक में दर्ज कर दिया। हजरत सुलेमान कहने लगे, है कोई तुम में से जो मलिका सबा हजरत बिलखीस के मेरे दरबार में आने से पहले उनका तख्त जो उनके घर में रखा हुआ उनके दरबार में वो तख्त लाकर मुझे दे दे। उनके दरबार में जो उनका तख्त है जिसपे वो बैठा करती है तख्त, ओ
तो बहुत ही अच्छा वीडियो था। पर और मुझे आगे का भी सुनना था कि हाँ मतलब मुझे लगा इन्होंने बीच में ही कट कर दिया, लेकिन वो वीडियो ही इतना था। और आगे क्या हुआ ये बहुत जानने में और उत्सुकता है। हमने इसके ऊपर वीडियो भी किया है कि वो तक कैसे आया चंद सेकंड में। तो मेरे ख्याल से उसी से मलिकाए बिल्किस खुश हो गई थी और मतलब ईमान लाई थी इस्लाम पे। तो ये मतलब बहुत फासला था, 2 महीने का फासला था मतलब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में आने के। का तो वो आई भी, लेकिन मतलब आगे का मैं वाक्या ज़रूर सुनूंगी। और स्टार्टिंग में जो इन्होंने बयान दिया वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि लोग ऐसे करते हैं कि मतलब सिर्फ दावत इस्लाम को मानने वाले नहीं, सभी लोग सभी लोग करते करते हैं। हैं, और हमारे यहाँ तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, बिना इन्विटेशन के जाते हैं और खाकर मतलब मतलब मैं भी जाता था पहले, पतली गली से निकल आते हैं। और मैं जब छोटा था तब मैं जाता था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जाने में अलग नहीं, लेकिन ये अलग। बड़े लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि अभी आप मतलब हम समझदार हो गए सभी, तो अभी हम किसी के मतलब अगर कोई भी फंक्शन हो तो हम ऐसे बिना बुलाए तो नहीं जाएंगे, और अगर कोई हमें रिस्पेक्ट देता है और उसके उसके साथ खाना खाने में बहुत मज़ा आता है। तो इन्होंने बहुत अच्छे से कहा, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं सभी पर लागू होता है, कि अगर आपको शान से रहना है तो आप ऐसी चिल्लर हरकतें मत करो कि मतलब जाकर यहाँ मतलब बाजू बाजू में खड़े होना, मतलब पेट नहीं, भर कर कभी कभी खाना। मतलब इतनी वहाँ पर भीड़ होती है कि खाना मिलता ही नहीं है, इसी वजह से शायद लोग करते होंगे। तो मुझे तो बुरा नहीं लगा इसमें कुछ। तो सिर्फ ऐसा मतलब खींच तान के नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं जब लालू यादव की, तो शायद से तेजस्वी प्रकाश का बर्थडे था और यूपी में, शायद से हमने न्यूज़ में देखा था कि वहाँ के लोग कुर्सियाँ और जो सोने के मतलब सोने के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पर, क्या बोलते हैं पता नहीं, पर हमारे इधर चारपाई बोलते हैं उसे, वो भी उठा कर लेके गए थे अपने घरों पे क्योंकि वहाँ तेजस्वी पर प्रकाश, तेजस्वी प्रकाश लालू यादव का बेटा है और हाँ उसका बर्थडे था बिहार में। तो वहाँ पर ऐसा मतलब भीड़ ने सब कुछ वहाँ पर लूट के ले गए थे और उनके यहाँ पर खाना जो मिल रहा था वो तो मतलब कैसे कैसे मतलब खींच रहे थे, वो मुझे देखकर हाँ और बहुत ही मुझे है। याद है कि मतलब मैं उस शादी में नहीं गई थी, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े घर के लड़के की शादी थी, और वहाँ पर बहुत गुलाब जामुन और बहुत तो सारे अच्छे अच्छे पकवान थे, और लोगों ने बाल्टियाँ भर भर कर लेकर गए घर में, क्योंकि बड़े लोग होते हैं और वो ध्यान नहीं दिया उन्होंने उन्होंने मतलब लोगों पर छोड़ा था खाने पीने के लिए, तो लोग बाल्टियाँ भर भर कर घर पे ले जा रहे थे। तो आप सोच और सकते लोग हैं भी कि डायरेक्टली वो जो गुलाब जाम का मतलब बड़ा सा टब रहता है उसमें डायरेक्टली बाल्टियाँ डाल रहे थे, वो कैसी कैसी अच्छी नहीं रहती, मतलब क्लीननेस नहीं है उस बाल्टियों में, वो ही डायरेक्टली डाल मतलब देते थे। लोगों की हंसी आती है मुझे कि ये सभी करते हैं। तो मैं कभी अभी तक मतलब किसी ने ना बुलाया और मैं शादी में गई हूँ और खाना खाया है ऐसा कभी तो हुआ नहीं है। मैं गया हूँ बचपन ऐसे में भी बिना नहीं गई हूँ बुलाए। मैं, क्योंकि इनका कॉलेज ही था जो लॉन्च होता है उसके पास, मैं जहाँ पर कॉलेज पे था वहाँ से नज़दीकी एक लॉन्च था। वहाँ पर रोज शादियाँ होती थी और हाँ, यहाँ रोज जाते क्योंकि हमारा मेस में खाना अच्छा नहीं बनता था तो थे। मैं मतलब मेस से तंग आकर वहाँ पर जाता था। मेरे दोस्तों के मेरे मुझे मेरे दोस्त ही बोलते थे कि चलो सागर हम जाएंगे वहाँ पर खाना खाने। और ये खाते थे, लेकिन वो छोटे थे तभी मतलब इतने समझदार नहीं थे, लेकिन अभी तो नहीं खाते अभी हैं मतलब बुलावा नहीं आता है तो लेकिन फिर भी इन्होंने एक बार मुझे कहा था कि मैं जाऊँ क्यों उसके घर पे खाना खाने, तो मैंने मतलब मुझे कहा बहुत अच्छा लगता है उन्होंने कि वहाँ पे बुलाया नहीं, तो वो बोलते हैं कुछ नहीं होता मैं फिर भी जाऊँगा। तो मतलब इन्हें बहुत इंटरेस्ट है मतलब वो मुफ्त का खाने में, हाँ, तो मुझे अच्छा तो लगता है क्योंकि घर में इसको मतलब इतना कुछ टेस्ट नहीं आता है, बाहर का मतलब बहुत अच्छा आता हाँ है। मतलब घर की रोज दाल नहीं खा सकते ना, इसीलिए वो भी बाहर जाकर एंजॉय करते हैं, और मेरे हाथ का बहुत टेस्टी खाना होता है और ये ही सब्जियाँ करते हैं, इसलिए इन्हें लगता है कि सिर्फ यही अच्छा खाना बनाते हैं, और ये बहुत अच्छे
शेफ भी है तो कुक बोल सकते हो, शेफ नहीं, कुक है शेफ तो बहुत पनीर बड़ा की भाई ओहदा बहुत, हुआ। पनीर की सब्जी है वो बहुत अच्छे से, चिकन मटन बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो मुझे कोई मतलब मैं तकलीफ एक नहीं है। चैनल है यूट्यूब पे आफरोज किचन नाम का, उस उस पर पे वीडियो देख देख कर बनाते हैं, हाँ और मुझे बहुत, मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे घर मुझे में उनका आवाज़ बहुत पसंद है, वो बहुत ही हाँ, और अच्छे से मुझे समझाते हैं। मतलब बहुत सब्जी की टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि हर औरत को एक टेंशन होता है कि हर रोज़ नया क्या बनाए, लेकिन इनके पास बहुत आइडिया होते हैं। मैं सिर्फ रोटियां पकाती हूँ या भाकरी वगैरह करना हो तो मैं करती हूँ, लेकिन ये सब्जियाँ बहुत अच्छे से बनाते हैं, तो सच में बहुत अच्छा वीडियो था। तो चलिए आपको कैसा लगा जरूर हाँ, और बताइए। चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में।